नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, अभी हाल ही में केएल राहुल से ऑरेंज कैप की रेस को लेकर एक मजेदार सवाल पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि इस साल भी आप ऑरेंज कैप जीत पाएंगे। तो इस पर दोस्तों केएल राहुल का एक बेहद ही दिलचस्प बयान आया है और केएल राहुल के इस बयान ने खूब सुर्खियां तो बटोरी है, साथ ही साथ केएल राहुल ने अपने इस बयान से सभी का दिल जीत लिया है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे केएल राहुल ने बताया कि उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ऑरेंज कैप कौन जीतता है, बल्कि केएल राहुल खुद अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, इस सीजन में एक बार फिर से केएल राहुल को कप्तान बनाया गया है, लेकिन इस सीजन में केएल राहुल नई फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान बने हैं। हर सीजन में केएल राहुल ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे नजर आते हैं और इस सीजन की शुरुआत भी हो चुकी है और यहां पर भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। केएल राहुल अभी तक ऑरेंज कैप की रेस में टॉप 10 में बरकरार हैं और पिछले कुछ मैच के बाद तो केएल राहुल टॉप 5 में भी अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे थे। इस समय की बात करें तो केएल राहुल 7वें नंबर पर हैं ऑरेंज कैप की रेस में, जहां पर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 102 गेंदों का सामना किया है और 132 रन बना दिया है, जिससे एक बात तो साफ है कि लोकेश राहुल की जो फॉर्म है वो बेहद ही शानदार चल रही है। अब इसी बीच केएल राहुल से ऑरेंज कैप को लेकर एक बार फिर से सवाल पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि आप ऑरेंज कैप जीत पाएंगे। तो केएल राहुल का जो बयान था वो ये था कि वो ऑरेंज कैप जीतने के लिए नहीं खेलते, बल्कि अपनी टीम को मुकाबले जिताने के लिए खेलते हैं। केएल राहुल ने कहा कि मेरी नजरें किसी भी तरह से ऑरेंज कैप पर नहीं है, लेकिन हां, जहां मेरी टीम को रन की जरूरत होगी वहां पर मैं रन मारने की कोशिश करूंगा। अगर टीम को तेज खेलने की जरूरत होगी तो वहां पर मेरा स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा होगा और जहां पर लगेगा कि संभल कर खेलने की जरूरत है तो वहां पर मैं धीरे खेलूंगा। बात करें अगर पिछले मुकाबले की तो जी हां, आपको बता दें, पिछले मुकाबले में भी एक बार फिर से केएल राहुल ने बेहद ही सूझबूझ से अपनी टीम को बेहद ही खतरनाक मैच जिताया, जहां पर केएल राहुल की खूब तारीफें भी हुई थी। बता दें, केएल राहुल की टीम इस साल पॉइंट टेबल में भी काफी अच्छा कमाल कर रही है और लगातार एक के बाद मुकाबले जैसे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे केएल राहुल की टीम पॉइंट टेबल में और भी ज्यादा ऊपर पहुंचती जा रही है। अभी तक केएल राहुल की टीम ने 4 मुकाबलों में से 3 में जीत दर्ज की है और इस वजह से केएल राहुल की टीम 4थे नंबर पर है पॉइंट टेबल में। अगर आज का मुकाबला जो कि राजस्थान से होने जा रहा है, ये मुकाबला अगर केएल राहुल की टीम जीत जाती है तो पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर ये टीम पहुंच जाएगी। तो एक बात तो ऐसे में साफ है कि केएल राहुल की टीम बहुत ही खास परफॉर्मेंस कर रही है और केएल राहुल का ये धांसु बयान आया है जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरह से ऑरेंज कैप के लिए नहीं खेलते, बल्कि उनका सिर्फ और सिर्फ फोकस एक ही चीज पर होता है कि कैसे भी करके वो अपनी टीम के लिए रन बनाए, मैच जिताए और साथ ही साथ सभी खिलाड़ियों को भी मोटिवेट करें ताकि सभी खिलाड़ी मिलकर और लखनऊ सुपर जायंट्स को पहले ही साल में विनर बना दे। तो क्या आपको लगता है कि केएल राहुल की टीम इस साल विनर बन पाएगी, कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।